हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपने रियल फ़ोन में जो है बैकअप डाटा को, जो है अपने जो डाटा वगैरह जितना भी उसको हम बैकअप कैसे करें अपने गूगल अकाउंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि मान लो हमारी अगर एक आईडी पे जो है हमने बैकअप डाटा ले लिया है और वो जो फुल हो चुके हैं, तो किसी अनदर आईडी पे हम डाटा को कैसे बैकअप करें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टेप बाई स्टेप पूरी वीडियो देखें बिना स्किप करें। फ्रेंड्स, हमें जो सेटिंग ऑप्शन पर जाना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चला जाना है और फ्रेंड नीचे जाकर हमें गूगल पे जाकर हमें प्रेस करना है। फ्रेंड, जैसे हम गूगल पे प्रेस कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा पवन मलिक के नाम का अकाउंट खुला हुआ है। तो फ्रेंड, इसकी स्टोरेज अगर फुल हो गई है तो आप इस साइड में, अगर आपने कोई न्यू अकाउंट बना रखा है, नहीं बना रखा तो फ्रेंड्स आपको बनाना पड़ेगा। नहीं अगर बना रखा ऑलरेडी तो इस पर हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है दूसरा अकाउंट है क्योंकि इसकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, इस पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करना है फ्रेंड, देखिए स्टोरेज बिल्कुल खाली है। हम यहाँ पर जो है बैकअप ऑप्शन करेंगे और मैंने स्टोरेज देखेंगे हम इसकी। देखिए फ्रेंड्स, 15 GB तक अपना डाटा जो है इसमें बैकअप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो बैकअप नाउ करेंगे, फ्रेंड्स से पासवर्ड के लिए बोलेगा। फ्रेंड्स, पासवर्ड फिल होने के बाद ये जो है बैकअप होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, नीचे ऑप्शन होता है, डिटेल होती है, आपको अपने जो है डाटा, अपने जो है जीमेल अकाउंट पे कौन कौन से जो है वो बैकअप लेने। तो फ्रेंड्स, हम फोटो वीडियो जिस पे करना है आपको, फोटोज वीडियो पे करके एलो कर देंगे। एलो करने से ऑन कर देंगे। तो यानी फ्रेंड्स, जितने हमारे फ़ोन में जो फोटोज़ वगैरह हैं वो सब अपने जो है वो डाटा बैकअप होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।